तो है नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पेट मिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट हेल्दी होंगे। दोस्तों आप बहुत अपने डॉग से लव करते हैं, प्यार भी करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल भी करते हैं, उनका अच्छा ख्याल भी रखते हैं। बट दोस्तों कभी कभार आपकी गलती से या फिर आपके डॉग की गलती से आपका डॉग जो है गुम हो जाता है या फिर कहीं चला जाता है। तो दोस्तों आपको इस समय में क्या क्या करना चाहिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका डॉग लॉस्ट हो गया यानी गुम गया, कहीं खो गया, तो दोस्तों आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी कभार आपका डॉग जो है घर से बाहर चला जाता है। नॉर्मली घर के बाहर ही आसपास ही आपका डॉग घूमता रहता है, पर कभी कभार डॉग किसी के पीछे जाता है या फिर किसी और डॉग के पीछे पीछे जाते हुए वो खो जाता है, या फिर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो डॉग को जो चोरी कर लेते हैं और दूसरी जगह सेल करते हैं। और दोस्तों ऐसे डॉग का जो है बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है आप सभी को, क्योंकि आपके डॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो कभी कभार ऐसे चोर होते हैं जो डॉग को किडनैप करके मतलब दूसरी जगह बेच देते हैं, दोस्तों वो क्या करते हैं एक टाइप का जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी किसी के डॉग को चुरा लेते और दूसरी जगह बेचते और ऐसे में वो पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों कभी कभार आपके डॉग को भी ऐसा दोस्तों मतलब कभी कभार ले सकते हैं या फिर कभी आपके डॉग को चुरा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि कोई चुरा भी ले जाए, कभी कभार आपका डॉग कहीं खो जाता है या फिर कहीं चला जाता है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि हर बार डॉग की गलती होती, कभी कभार डॉग ऑनर की भी गलती होती है। ऑनर कुछ ऐसे गलती करते, डॉग के ऊपर ध्यान नहीं रखते, उनकी अच्छी देखभाल नहीं करते, बाहर ऐसे ही छोड़ देते बिना चेन के, और कभी कभार कहीं पीछे जाता है डॉग के पीछे जाता है तो ध्यान भी नहीं रखते, तो ऐसे में आपका डॉग जो है खो सकता है। तो आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों जब भी आपके डॉग को कोई ले जाता हो तो आप उसे इंसान को या फिर कुछ व्यक्ति को पकड़ नहीं पाते, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपको जो कुछ स्टेप फॉलो करने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि जल्दी आपको घर जाके एक नोट पे सब कुछ लिख देना चाहिए कि कितनी उसकी हाइट बॉडी वेट कितना होगा, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा के आप लिख सकते हैं कौन सा उसने शर्ट पहना था, कौन से उसने जूते पहने थे, क्या कलर का उसके स्किन का कलर क्या था। तो दोस्तों ऐसे आप नोट्स बना के रख सकते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। अगर आपने नहीं देखा, आप घर में नहीं हो या फिर कहीं बाहर चले गए, फिर आपका डॉग किडनैप हो गया या फिर किसी ने उठा के ले गया, तो दोस्तों तलाश कीजिएगा कि किसी ने आपके डॉग को उठाते समय किसी ने देखा तो नहीं है, या मतलब किस आसपास पड़ोस या फिर आपके घर के नीचे दुकान वाले हो गए या फिर कोई और होगा जिसने डॉग को ले जाते समय देखा होगा। तो दोस्तों आप ऐसे पूछताछ करिएगा, तो दोस्तों ऐसे में आपको फ़ायदा होगा कि उसको पता चलेगा और गवाह बन जाएगा आपके लिए कि आपको सब कुछ बता सकता है कि ये टाइप का उसने शर्ट पहना था, इतनी हाइट थी, इतनी बॉडी थी, बाल थे या नहीं थे, किस किस तरह से दिखता था, या फिर आपके कोई यहाँ वहाँ रहने इलाके में रहता तो नहीं वो आदमी, कहीं बाहर से आया, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो आप थोड़ी सी पूछताछ ज़रूर बाहर आजू बाजू करिएगा, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। और दोस्तों जो दूसरा स्टेप है वो आपको क्या करना है कि आपको एक कागज़ और पेन ले लेना है और उसमें आपके डॉग की इन्फॉर्मेशन लिखने की है कि आपका डॉग का जो वेट कितना था, आपकी डॉग की ब्रीड कौन सी थी, उसका नाम क्या था, उसका कलर क्या था, सब कुछ दोस्तों आपको उसमें लिखना है कि किस टाइप का था। और कुछ कलर डिफरेंट भी आपको लिखने का है कि मेरा डॉग ऐसा डिफरेंट लग रहा था, उसको ऐसा कुछ निशान मार्क थे शरीर के ऊपर, जिससे आपके डॉग को पहचाना जा सके। और दोस्तों जो तीसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाना है और रिपोर्ट लिखवानी है। आपका डॉग और नेम आपने सब कुछ कागज़ पर लिखा है वो आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले को देना है और सब कुछ बताना है कि मेरा डॉग यहाँ से चोरी हो गया और इतने बजे चोरी हो गया। और जितना जल्दी जाओगे उतना चांस है कि आपका डॉग जल्दी मिल जाएगा। और जो पुलिस वाले होते हैं वो आपको रिपोर्ट लिखवा देंगे और दोस्तों आपको एक पर्ची दे देंगे, वो पर्ची आपको संभाल के रखनी है और जब आपका डॉग मिल जाए तो वो पर्ची आपको देनी पड़ेगी, फिर आपका डॉग मिलेगा आपको, तो वो पर्ची को जरूर से ध्यान से रखिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको तुरंत ही जैसे आप रिपोर्ट लिखवाए, आप जैसे बाहर निकलते तो आपको फ्रेंड या फिर आपके फैमिली के साथ अपने डॉग को सर्च कीजिएगा, उसका कुछ टॉय वगैरह हो गया वो साथ में लेके जाइएगा, अगर वो टॉय में कुछ साउंड होता है तो बजाते जाइएगा और आपके डॉग का नाम लीजिएगा, जैसे कि आपके डॉग का नाम कुछ भी हो वो नाम आप जोर जोर से पुकारेगा, तो जैसे कि वो दोस्तों अगर वो सुन लेगा या फिर आसपास में होगा तो दोस्तों ज़रूर से रिएक्शन करेगा, भौंकेगा या फिर आपको भी वो मिस करेगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि आपका डॉग मिलने के बहुत चांस है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आस पड़ोस में अगर आपको डॉग मिल जाता है तो दोस्तों आप तुरंत ही पुलिस स्टेशन फ़ोन कीजिएगा और बता दीजिएगा कि यहाँ पे मेरा डॉग है, तो पुलिस वाले आके आपकी हेल्प करेंगे और आपके डॉग को जो है ढूंढने में और भी हेल्पफुल होगी और जल्दी मिल जाएगा।
आप अपने आजू बाजू के सारे इलाके में चेक कीजिएगा कि आपका डॉग तो नहीं है, जाके आप बाइक पे जा सकते हैं, चलते चलते जा सकते हैं और आपके डॉग का नाम पुकार सकते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका डॉग खो गया तो मिल जाएगा, अगर किसी ने चोरी की है तो दोस्तों उसको अगर भनक लग जाती है कि अगर समझो कि आपने आपको डॉग को ढूंढ रहा है या फिर आपको डॉग को डॉग आपका जो है उसको मिल गया, आपको पता चल गया कि डॉग इस रूम में है, तो आप जैसे आप तुरंत ही अकेले जाते तो दोस्तों चांस है कि वो जो चोर है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर लेगा आपके डॉग को। तो दोस्तों ऐसे में आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन करना है और आपको बताना है कि डॉग मुझे इस घर में दिखा या इस घर में मेरा डॉग है, तो दोस्तों पुलिस आपकी मदद करेगा और आपका डॉग जल्दी से आपको मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके आस पड़ोस या फिर आपके एरिया में कोई गैंग तो नहीं घूम रही जो आपके डॉग को चोरी कर रही है या फिर और डॉग को जो है चोरी कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और डॉग के जो चोरी हो रही है तो आप उन्हें भी बता सकते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट करी है, तो दोस्तों ऐसे में चांस होता है कि वो गैंग जल्दी पकड़ जाएगी और आपके डॉग भी मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको एक पैम्पलेट छपवाना है जिसमें आपके डॉग के बारे में सब कुछ लिखा हो कि आपके डॉग का कलर, एज, साइज, और दोस्तों आपको नीचे आपको फ़ोन नंबर भी आपको ऐड करना है। और दोस्तों ये पैम्पलेट आपको सब जगह बांटने हैं आपके आसपास के इलाके में या फिर और दूसरे इलाके में, आपके फ्रेंड्स को आप आधे दे सकते हैं, आप आधे आप बांट सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करते तो दोस्तों चांस है अगर किसी को आपका डॉग दिख जाए या फिर आपके कलर या फिर आपने कुछ मार्क लिखा होगा या फोटो उसका दिया होगा पैम्पलेट पे, तो दोस्तों ऐसे में आपका डॉग मिल जाता है तो आपको कॉल करेंगे और आपका नंबर ज़रूर ऐड कीजिएगा पैम्पलेट में, जैसे कि किसी को अगर दिख जाता है या फिर किसी को मिल जाता है तो आपको ज़रूर से वो कॉल करेगा। और दोस्तों अगर आप ये कर सके तो ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप पैम्पलेट के नीचे कुछ अमाउंट लिख दीजिएगा कि जैसे आप अगर किसी को डॉग मिल जाता है तो हम इसे इतना अमाउंट दे देंगे, तो दोस्तों ऐसे में चांस होता है कि अगर किसी को दिख भी जाए तो ज़रूर से आपको कॉल करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको अमाउंट मिल जाएगा और उसका भी फ़ायदा होगा और आपको भी अपना डॉग मिलेगा। तो ज़रूर से अगर आप अमाउंट देना चाहते हैं तो अमाउंट भी आप उसे ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है कि आपको ऑनलाइन भी जो दोस्तों ये सब कुछ करना है, जैसे कि ऑनलाइन पोस्ट आप डाल सकते हैं अपने डॉग के बारे में सब कुछ, इंस्टा पे आप पोस्ट डाल सकते हैं, कुछ यहाँ पे आपको पैसे दे के प्रमोट करते पोस्ट वहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अगर आप कुछ 40 या 50 रुपये में पोस्ट प्रमोट करते तो दोस्तों अगर किसी को दिख जाता है ऑनलाइन में भी या फिर बहुत सारे यूज़र्स जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और ट्विटर हुआ, तो दोस्तों ऐसे में आप पोस्ट डाल सकते हैं और आपके डॉग के बारे में इन्फॉर्मेशन सबको बता सकते हैं, तो चांस है कि आपका डॉग जल्दी से आपको मिल जाए। और दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि डॉग निकल के कहीं एक जगह जाता है, हमेशा वो जाता होगा किसी मैदान में जाता होगा कि फिर किसी और डॉग से मिलने जाता होगा, तो दोस्तों आप वहाँ पे भी चेक करिएगा कि आपका डॉग वहाँ तो नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह वो वहाँ गया होगा अकेला। कभी कभार डॉग क्या होता है किसी डॉग को मिलने के लिए चले जाते हैं या फिर उनके फ्रेंड बन जाते तो उधर चले जाते हैं या फिर किसी के आसपास घर में भी चले जाते हैं क्योंकि उधर उनको अच्छा लगता है, तो उधर भी कभी कभार चले जाते, तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिएगा कि आपका डॉग है या नहीं। और दोस्तों जैसे आप पैम्पलेट वगैरह छापते या फिर बांटते तो दोस्तों उनका अगर आपको कॉल आता है तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, वो बोलते हैं वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा कि आपका डॉग तो नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपका डॉग हो गया या फिर आपको किसी ने कॉल करके बताया कि यहाँ पर डॉग है और आप गए नहीं और वो आपका ही डॉग हुआ, तो ज़रूर से दोस्तों डॉग ऑनर ऐसी गलती करते कि जाते नहीं, तो ज़रूर से आप जाके चेक कीजिएगा कि आपका डॉग है या नहीं। और दोस्तों दूसरी बात ये कि आप अपने दोस्तों या फिर आपके फैमिली मेंबर है उनको भी फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मेरा डॉग यहाँ से गया, गायब होगा, अगर उनको दिखे तो कॉल करना, क्योंकि आपके आस पड़ोस में या फिर आपके जो एरिया में आपके दोस्त होंगे उनको कभी कभार दिख जाता है तो दोस्तों ऐसे में वो आपको कॉल कर लेंगे, या फिर आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप हो गया या फिर व्हाट्सअप मेंबर है उनको पोस्ट शेयर कीजिएगा कि मेरा डॉग जो है लॉस्ट हो गया यानी मिल नहीं रहा, गुम हो गया, तो आपको दिखे तो मुझे कॉल कीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे में चांस है कि अगर किसी को दिख जाता है तो दोस्तों आपको कॉल करेगा और आपका डॉग जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों रात को भी आप ज़रूर से बाहर निकल के चेक करिएगा कि आपका डॉग यहाँ वहाँ तो नहीं, क्योंकि कभी कभार उसको ठंडी लग जाती है फिर भूख के कारण वो यहाँ वहाँ चला, कभी कभार उसको घर की याद आ जाती है, दोस्तों वो आने की कोशिश करता है बट उसको कभी कभार रास्ता नहीं याद होता। दोस्तों आप अपने एरिया में रात को भी ज़रूर से चेक कीजिएगा कि आपका डॉग कहाँ बैठा तो नहीं है, फिर कहीं उसको ठंड की वजह से वो कहीं बैठा तो नहीं है या फिर कहीं घूम तो नहीं रहा, क्योंकि डॉग आने की कोशिश करता है घर पे तो उसको रास्ता नहीं मिलता है, दोस्तों ऐसे में चांस है कि वो भटक सकता है, तो दोस्तों यहाँ वहाँ घूम ही रहा होगा या फिर कोई और डॉग उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अगर आवाज़ बवाज़ आती है तो आप जाके उधर चेक कर सकते हैं कि आपका डॉग तो नहीं है, तो दोस्तों चांस है कि अगर आपका डॉग ज़रूर से जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डॉग मिल जाता है तो आप पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मेरा डॉग मिल गया, और जिन जिन को आपको बताया है कि मेरा डॉग खो गया उनको भी आप दोस्तों ज़रूर से बता दीजिएगा कि आपका डॉग मिल गया। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जिसके कारण आपका डॉग आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और के ज़रूर से काम आएगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि अपने डॉग को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते तो दोस्तों आप जो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी वीडियो बना दीजिएगा।
मिलेगा तो मैं जल्दी से वो वीडियो बना दूंगा, जिसके कारण आप अपने डॉग को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकते हो और आपका डॉग जो है गुम भी नहीं हो जाएगा, कहीं किडनैप भी नहीं होगा और आपको आप जो है उसे आसानी से ढूंढ सकेंगे। फ्रेंड जरूर से ये स्टेप सारे फॉलो कीजिएगा, जिसके कारण आपके डॉग को ढूंढने में आपको बहुत सारी हेल्प होगी। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही तो मुझे जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी न्यू अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।